जब यहाँ हाथी आ जाता है, हाँ जी हाँ जी, तो हम यहाँ से फिर इसको खिसका कर यहाँ पे दरवाजा है। अच्छा, तो यहाँ से अभी यहाँ से नीचे घुस जाते हैं। ठीक है, ये तहखाना बना हुआ है। हाथी घुस है, ये हाथी ने ये भी तोड़ दिया, यहाँ से उसका पीस लग गया ऊपर। ठीक है, ये पूरा ये दीवार भी खराब हो गई थी, पूरा हो गया था। अपना पैर रखा अंदर, ठीक है, नीचे की बल्ली टूट गई, उसको लगा कमजोर है तो टूट गई, वो बैक हो गया। हाथी तो काफी समझदार है, उसने कहा यार यहाँ खतरा है, मैं फंस जाऊंगा। ठीक है ठीक है, फिर यहाँ से बैक हुआ वो खाना, हाथी से बचने के लिए तहखाना। हाँ जी, ये था तहखाना। हाथी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सेफ है, यहाँ टाइगर आ जाएगा। आप जंगलों में रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप 24 घंटे यहीं रहते हो, तो जैसे कई लोग भूत प्रेत पे विश्वास रखते हैं, आप भी रखते हो? अब रखते तो हैं खैर, लेकिन पहले वाले लोग बताते हैं यहाँ डराता था करके, यहाँ पहला स्टाफ बताता था कि यहाँ पहले एक फॉरेस्टर को हाथी ने मारा हुआ है। हाँ ठीक है, जंगल है ये, हाँ यहाँ आपको प्रत्येक जानवर की उपस्थिति है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ आपको टाइगर भी मिलेगा, लेपर्ड भी मिलेगा, गुलदार भी मिलेगा, हाथी हो गए, भालू हो गए, भालू हो गए, यहाँ सब जानवर, सब कुछ है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है जंगल में, बहुत जरूरी है। और यहाँ सबसे बड़ी मीन चीज क्या है, बंदर बोल रहा है, टाइगर होगा कहीं आसपास, है ना, टाइगर होगा, कॉलिंग शुरू, टाइगर होगा कहीं, वो खक 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 वैसी आवाज करता है। हाँ खक खक, अभी आई 3-4 बार बोला ये। ये हमारी जिप्सी खड़ी है, ठीक है, पूरा फेंसिंग किया हुआ है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, देखिए क्योंकि हाथियों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल, हाथियों की, ये देखिए ये अंदर जा रहे हैं गेट में, गेट खुला ही हुआ है, और स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे, वाह जी वाह, मुकेश जी कहाँ ले आए आप, स्वर्ग। ये सर आंवला खेड़ा 1887 का ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। अच्छा, तो पीछे नया बना हुआ है, ये 1906 का है, और पीछे वाला व्हाइट वाला, वहाँ भी चलते हैं। ये क्या बने हुए हैं यहाँ पे, ये क्वार्टर हैं, क्वार्टर हैं। यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था बहुत समय पहले, हाथी ने एक अपना फर्स्ट वाले को ही अंदर आके, तब फेंसिंग नहीं होगी ना, फेंसिंग नहीं होगी। हाँ, ये दीवार तो तोड़ देता है, ये हाथी के लिए क्या है, ये हाथी के लिए दीवार कुछ भी नहीं है। ये जो 1887 का है, हाँ जी, ये खास बना हुआ है, आप देखेंगे ना नीचे, हाँ जी हाँ जी, नीचे भी एक वो है, हाँ इसके नीचे एक तहखाना है, तहखाना है इधर इधर, हाँ सामने वो डिजाइन ऐसे करके दिख रहा है, हाँ जी, अंदर से भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनना बात मुकेश जी की, अभी वो क्या बताने वाले हैं। ये देखिए पुराने गेस्ट हाउस देखिए, अरे भाई साहब जगह देखो यार, तो 2-3 दिन कम पड़ेंगे इस जगह पे। अच्छा, ये तहखाना है, ये तहखाना है, इसका रास्ता जो है, नमस्कार, अंदर से ही रास्ता है इसका। अच्छा, हाथी आ गया, हाँ जी, बाकी फेंसिंग वगैरह ये चीज होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ से जो है अंदर से निकलने का है, हाँ जी, तख्ते लगे हुए हैं, ठीक है, लकड़ी के, लकड़ी के, हाथी जो है जहाँ पर हल्का लगता है वहाँ पैर नहीं रखता है, ठीक है, अंदर नहीं जा पाता था, ठीक है, ये दीवार बाहर बनी हुई है, अगर हम इसके अंदर भी घुस जाएंगे तो हाथी इसके अंदर भी कहाँ जा पाएगा, इसके अंदर नहीं जा पाएगा, ये अंदर से रास्ता है इसका, हाँ निकलने का भी, क्या बात है। यहाँ एक पीछे दीवार टूटी हुई है पीछे से, ब्रिटिश कालीन में क्या रहता था, जैसे अपना ब्रिटिश अफसर रहते थे, हाँ जी, तो बाहर दरवाजे में अंदर से रस्सी और अंदर लकड़ी का पंखा, अच्छा वो भी है बाहर, इंडियन वो भी है देखने को, पंखा तो हट गया था ना, फिर रस्सी और वो चीजें हैं, हमारा जो रहेगा वो बाहर से जो है उसको झुलाते रहेगा, क्या बात है, अंदर हवा मिलती रहेगी उनको, और जो जो पर्दे सा होता है बड़ा भारी पर्दा होता है, अंगली, हाँ कालीन टाइप भारी सा होगा, हाँ सही है। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? दोस्तों मैंने उत्तराखंड के सभी जंगल घूम लिए हैं तकरीबन जो है, देखिए मैंने ऐसा जंगल अपनी लाइफ में नहीं देखा दोस्तों, ऐसा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकने वाला हूँ मैं इसको अपने लिए स्वर्ग कहूँगा जीते जी, कि मैं स्वर्ग में हूँ दोस्तों, सही में कह रहा हूँ जो है। ये वॉलीबॉल का वो लगा हुआ है पोल, अरे भाई यहाँ आके तो समझो जिंदगी बन गई भाई साहब। ये देखिए ये रास्ता जा रहा आगे, जा रहा दुर्गा पीपल, यहाँ भी हम जाएंगे अभी। अभी क्या है, अब हम अपना सामान फोन रख के चाय वाय पीते हैं, हम नाश्ता करते हैं, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नाश्ता नहीं करा, 4:30 बजे उठा था आपका भाई, अभी 9 बज गए हैं दोस्तों। बस यहाँ आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए यहाँ आके, मुकेश जी आपको प्लान कर देंगे पूरा यहाँ आने का जो है। मेरा तो फ़र्ज है दोस्तों आपको वाइल्ड लाइफ दिखाना और पूरी जानकारी देना, मैं तो आपको पता है सबके नंबर देता हूँ, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए दोस्तों, आपको कितना ईजी हो जाएगा, रहना खाना आना जाना सब जो है।
देखिए ये पूरा सोलर फेंसिंग पूरा एक्टिव है, अभी धूप आ गई है शुरू। ये देखिए इसी का सहारा है दोस्तों अभी जो है। अरे ज़बरदस्त है दोस्तों, मज़ा आ गया यहाँ आके, जीवन सफल हो गया आज तो हमारा। ये देखिए दोस्तों यहाँ का स्रोत का पानी जो पहाड़ों से आता है। हाँ ये आपने कितने किलोमीटर से डाली है पाइप? ये हमारा करीब 2.5 किलोमीटर से ला रहे हैं। 2.5 किलोमीटर देख लो कहाँ से पानी आया है, देख लीजिए पीने का है। प्योर नेचुरल मिनरल वाटर है दोस्तों ये जो है। कितनी सुंदर बर्ड बोल रही है ना पीछे। अरे वाह वाह, उधर से जाता हूँ। ये देखो दोस्तों आवाजें सुनिए, ये है सुकून, सुकून यहाँ है। आपको यहाँ से जंगल दिखाता हूँ मैं। अरे भाई साहब ये देखिए रॉ फॉरेस्ट, यहाँ बैठ जाओ। ये कैसे कांटे लगाए हुए हैं, पूरा कंटीली वो लगाई हुई है तार पूरी, पीछे फेंसिंग। कोई बंदर के बोलने की आवाज़ें भी आ रही हैं। ये बंदर बोल रहा है, जब टाइगर देखेगा फिर अलार्म कॉल देगा अलग से। यहाँ से व्यू देखिए कितना शानदार आ रहा है। ये देखिए दोस्तों चाय आ गई हमारे लिए, चाय गरम गरम चाय। आंवला खेड़ा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में हम चाय पियेंगे, हम चाय पी रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह जी वाह, अच्छा लेमन टी है आपकी, बढ़िया। नहीं नहीं ये दरोगा जी हैं इधर, दरोगा जी। और कौन कौन है? चारों दरोगा हैं। क्या बात है, अच्छी पोस्ट जो है, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट गार्ड कम है ना, वाचर गुरु भी नहीं है। दरोगा जी बता रहे थे तो भी इलेक्ट्रिक फेंसिंग लग गई है इधर, नहीं तो थोड़े दिन बाद अंदर आ जाते थे एलिफेंट जो है तोड़ तोड़ के। अभी थोड़ा हम सामने तक जाएंगे, इधर तक जो है व्यू बहुत बढ़िया है। हाँ टाइगर टेरिटरी दोस्तों, बता रहे थे लोग जी, बोले टाइगर बहुत बढ़ गए हैं इधर जो है। लोगों को ना यहाँ के बारे में पता भी नहीं है। जी 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 हाँ, कि यहाँ के इतनी बढ़िया वाइल्ड लाइफ है, लोगों को पता ही नहीं है जो है। धीरे धीरे हमारी वीडियो भी जाएगी अभी, तो जो नेचुरल फॉरेस्ट लवर हैं जिनको रिलैक्स ये वाइल्ड लाइफ देखनी है जो है, वो तो आएंगे यहाँ पे। दुर्गा पीपल जा रहा है, पहले हम जाएंगे फूलगढ़ चौकी में, ठीक है, फिर दुर्गा फूलगढ़ चौकी, फूलगढ़ खोलगढ़ चौकी, ओके। ऐसे इसको इनको भी इतनी जगह भी फेंसिंग कर देनी चाहिए है ना, यहाँ अच्छा सा व्यू आता है यहाँ से नीचे नदी का। ये देखिए दोस्तों अक्सर गर्मियों में, हाँ जी, हाथी के बच्चे, ठीक है, हाथी की पूरी फैमिली, क्या बात है, नहाते भी मिलती है, तो पानी भी ज्यादा होगा। अभी यहाँ के लिए बायनोकुलर चाहिए है ना, यहाँ के लिए दूर दूर तक देखा जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये शांत लग रहे हैं जंगल, पर ये शांत नहीं है जो है, पूरी वाइल्ड लाइफ मूवमेंट में है इधर। बरसात तो पूरा आर-पार हो जाता है। अभी हम काफी हाइट पे हैं, कुछ ना कुछ दिखने वाला है यहाँ पे। बरसात में डूब जाता होगा ये तो, 10-15 फीट पानी होगा यहाँ तो, पूरा आर-पार हो जाता है। हाँ जी ये देखो पंजे पंजे लगे हुए हैं सब, हर तरह के जानवर के, वाइल्ड लाइफ। हाँ जी देखो टाइगर के कहते हैं ना पेशेंस रखने पड़ते हैं जो है। हाँ अभी ऐसी जगह है जहाँ हम खड़े हैं, अगर 10-15 मिनट रुक गए कुछ ना कुछ देख के जाएंगे पक्का। ये सीमल का पेड़ कौन सा कह रहे थे? सीमल का पेड़ दिख नहीं रहा यहाँ से कोई भी, ये साल हो गया। ये कौन सा है, बरगद है ये? बरगद सीमल का पेड़ कहते, उस पर भी लेपर्ड, ये सामने होगा लगता है, बोले बैठा रहता है सामने ही, ये सामने ये है सीमल ये। हाँ बड़ा सा, इतनी ऊपर चढ़ जाएगा लेपर्ड,
जो 30-35 फीट है हाइट जहाँ पे टहनी है उसके बैठने के लिए। इसमें अक्सर बहुत बार बैठा हुआ मैंने। दूर दूर तक देखेगा ना अपने शिकार को, कहाँ मेरा शिकार घूम रहा है। बस रिलैक्स करने के लिए भी, कोई खतरा नहीं है ना। सही बात है, खतरा नहीं है टाइगर, ये है शांति। देख लीजिए दोस्तों, ये है वाइल्ड लाइफ के लिए सिक्योर है, देख लीजिए जंगल ये वाले सिक्योर इनके लिए। यहाँ पे जानवर को जानवर से ही खतरा है, जानवर नहीं। जी जी, हाँ, बड़े को छोटे से, छोटे को बड़े से, बड़े को उससे बड़े का, उससे बड़े का। हाँ, एक दूसरे को हर खाने बैठे हैं यहाँ पे, तभी जिंदा रहेंगे यहाँ पे। साइकिल है, हाँ, पूरा सर्कल है। देख लीजिए दोस्तों, ये सुकून के पल हैं हमारी लाइफ के। आप मेरी वीडियो को टीवी पर देखा करो, जो है आपको देख के मज़ा आएगा। मेरी जो वीडियो होती है 4K होती हैं, 4K में, क्योंकि इससे 4K से क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़। हाँ, मैं हमेशा, मेरा यही रहता है कि मैं 4K में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जंगल है, ये ब्यूटी है, नेचुरल चीज़ें जो होती हैं 4K में ही मज़ा आता है देख के। हालांकि उसमें मेमोरी बहुत जाती है, पर जो मज़ा आता है देखने में वीडियो, वो अलग ही है। नाश्ते का प्रोग्राम बना रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, हमारा, हमें तो खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे नाश्ता करने वाले हैं। वाह वाह, देखो इसको लगा दिया अभी आटा गूंदने, भाई तेरा ही काम है ये। जोर लगाने वाला। बढ़िया, यार ऐसे जंगल कभी मुकेश जी मैंने सोचा नहीं था मैं कभी देख पाऊंगा, कसम से कह रहा हूँ, ये आपके कारण पॉसिबल हो पाया जो है। अभी तो और बढ़िया सर, आगे जब जाएंगे तो और सुकून। बहुत, कभी सोचा ही नहीं था जो है ऐसी वाइल्ड लाइफ दिखाएंगे मुकेश जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊँगा आपके पास जो है, जब एलिफेंट पूरा इधर ही मूवमेंट होगा। हाँ कॉरिडोर, इस टाइम मेरे हिसाब से एलिफेंट ज़्यादा हैं जिम कॉर्बेट में, बहुत ज़्यादा है वो, रामगंगा रिवर पे इस टाइम भरे पड़े हैं डिकाला में। यहाँ से नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी हैं सेना पानी की तरफ, सेना पानी की तरफ हैं, ठीक है। और दूसरा एक उनका ग्रुप गया है, सूर्यादेवी मंदिर है ना यहाँ आगे पड़ता है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि अमृत सरोवर रास्ते में है। हाँ जी हाँ, कुछ दिन वहीं रहे, वो एक हफ्ते ऐसा है, उनका खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर वो ऊपर को चले गए सूर्यादेवी मंदिर की तरफ। क्या बात है, वहाँ से घूम के आएंगे वो फिर सुनखड़ी गोट की तरफ से, ठीक है, यहाँ तक पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। हाँ पहाड़ पे चलते हैं। क्या बात है, वहाँ ज्यादा है, इनको पूरा पता होता है इनकी जो फूड चेन कहाँ कहाँ मिलेगी इनको। हाँ पानी चाहिए होता है, हाँ पानी चाहिए और खाना चाहिए बस। वैसे आजकल जाड़ों के दिन है, थोड़ा हल्का हल्का ऊपर उसमें ज्यादा वो रहता है, धूप रहती है, ठीक है, तो उधर को चले जाते हैं। सही है, थोड़ा गर्मियों के चिन्ह फिर नदी के किनारे पूरा। हाँ फिर यही भरे मिलेंगे बिल्कुल। चलो ये भी कवर करेंगे आपके साथ जो है। जी जी जी, मैं तो मुकेश जी को बोल दिया भाई, तो मैं तो आपके साथ रहने वाला हूँ अभी। मैं जिम कॉर्बेट नहीं जाऊँगा अगली बार, मैं आपके साथ ही रहूँगा यहीं पे। आंवला खेड़ा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस दोस्तों, 1887 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, ब्रिटिश टाइम, सबसे पुराना। जब यहाँ हाथी आ जाता है। हाँ जी हाँ जी, तो हम यहाँ से फिर इसको खिसका कर, यहाँ पे दरवाजा है। अच्छा, यहाँ से अभी यहाँ से नीचे घुस जाते हैं, ठीक है, ये तहखाना बना हुआ है, तहखाना नीचे बना हुआ है। सही बात है, ये फाटक है ना यहाँ से, अगर कभी आ गया बाई चांस। हाँ जी हाँ, तो यहाँ इसे खोल के नीचे घुस सकते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, ये लकड़ी साल की लगी हुई है। लकड़ी साल की, हाँ सालों साल चलती है। देखिए ऊपर भी देखिए, हाँ जी हाँ जी, ये पर्दे हुए कुंडे हैं ब्रिटिश टाइम के। अच्छा, जो हवा देने के लिए होते थे। इसमें एक सुराग है। हाँ जी हाँ, यहाँ पे है, यह सुराख। हाँ जी, इससे रस्सी बाहर आती थी, ठीक है, एक इंडियन बाहर बैठ के, ये जो सुराख है ये वाला। हाँ ये सुराख, हाँ इससे रस्सी आएगी, अंदर मैम सोए हैं, सीनियर सोए हैं। क्या बात है, इंडियन बैठा है, मजे ले गए हमारे अंग्रेज। अरे नहीं, अंग्रेज मजे ले गए पूरे। इसमें घुसा हाथी, घुसा है ये हाथी ने, ये भी तोड़ दिया, यहाँ से उसका पीठ लग गया ऊपर, ठीक है, ये पूरा ये दीवार भी खराब हो गई थी, पूरा हो गया था, दोबारा रिपेयर करा है। अच्छा, ऐसा दरवाजा तोड़ दिया, कब की बात है ये
करीब एक साल करीब हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। तो फेंसिंग नहीं थी बार ना उस टाइम पे? फेंसिंग अभी नई नई लगी है? नहीं लगी। हाँ ये तोड़ दिया उसने। क्या बात है, उसने अपना पैर रखा अंदर, ठीक है, नीचे की बल्ली टूट गई, उसको लगा कमजोर है तो टूट गई, वो बैक हो गया। तू तो काफी समझदार है, उसने कहा यार यहाँ खतरा है, मैं फंस जाऊंगा। ठीक है ठीक है, फिर यहाँ से बैक हुआ वो। क्या बात है, सूंड से खींच लिया, फिर यहाँ से बैक हो गए, फिर पीछे से ये दीवार बना रखी वो, हाँ जी, वो हाँ दीवार तोड़ी उसने थी। अच्छा, फिर वहां से उसने सब बक्सा ड्रम राशन के ये चार पाई बिस्तर सब बाहर फेंक दिया। क्या बात है, तस्कर होगा, तस्कर होगा। हाँ, उसने राशन राशन भी खाया सब तहस नहस करके। क्या बात है, रियल सब बाहर पड़ा हुआ था सामान। क्या बात है, यहाँ से घुसा हुआ ये पूरी छत ऊपर उठ गई, ये सब दरारें आ गई है, सही है, ये तोड़ा उसने ये भी पूरी दरारा आ गई थी, पूरा उठा हुआ था ये। ओहो, सब आपने नीचे देखा? हाँ मैं देखा, हाँ मैं देखा। देखिए दोस्तों, हाथी का तहखाना, हाथी से बचने के लिए तहखाना। हाँ जी, ये देखिए इसमें चूहे हुए रहते होंगे, है ना? हाँ, ये रास्ता था ऊपर से नीचे आने का, इधर था ना, ये था तहखाना। हाथी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सेफ है, यहाँ टाइगर आ जाएगा। अच्छा ये चीज देखिए, यहाँ डबल डबल दीवार है। हाँ देखो, इतनी मोटी, समझो 3 फीट की दीवार ये है, 3 फीट की ये है, देखिए 6 फीट और ये 2 फीट, यहाँ पे 8 फीट की इन्होंने दीवार बना रखी है। इतना यानी कि इतना मजबूत बनाते थे ये लोग जो है स्ट्रक्चर पूरा अपना। हाथी नहीं आ सकता यहाँ? हाँ यहाँ नहीं आ सकता। तब दोस्तों यहाँ फेंसिंग नहीं थी, कोई दीवार नहीं होती थी जब ये हाथी का बनाया गया था ये जो है तहखाना। ब्यूटीफुल। आइए जब तक कुछ नाश्ता बन रहा है अपने कुछ यहाँ एक्सप्लोर करते हैं अलग से जो है। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक छोर है इसका, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का। देखिए आपको मैंने पूरा टूर दे दिया आगे से लेके पीछे, आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा। आइए यहाँ चलते हैं ऊपर, कुछ यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से व्यू देखिए कितना शानदार। पहले तो आपको रूम दिखा देते हैं, ये देखिए सालों साल चलती है, साल की लकड़ी। बस यहाँ चेयर टेबल लगा के बैठ जाओ ना, कसम से कह रहा हूँ 2-3 घंटे में बड़ी जबरदस्त वाइल्ड लाइफ दिखने वाली है यहाँ पे। दोस्तों इतनी जबरदस्त टाइगर की मूवमेंट है, हमें टाइगर दिखा नहीं अभी तक यहाँ पे। टाइगर बहुत हैं, दुर्गा जी भी कह रहे थे, बोले बहुत टाइगर हैं यहाँ, बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। वो खुद कह रहे थे, बोले दिखने मुश्किल है यहाँ पे जो है, भालू की पूरी मूवमेंट है, बोले पीछे पूरी भालू घाटी है यहाँ पे। ये तो जाते रहते हैं ना पैदल जो है जंगल के अंदर, बोलते हैं यहाँ बारिशों में 15-15 फीट पानी हो जाता है पूरा, ये लेवल से वहाँ उस तो लेवल तक पूरा पैक हो जाता है। तो बोले हम यहाँ से गश्त नहीं कर पाते, फिर पीछे पहाड़ की तरफ से जाते हैं ये लोग गश्त करने। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं जहाँ पे हूँ, आप ये देखिए 24 आवर्स के लिए मैं इस जंगल के अंदर ही हूँ, और 24 आवर्स हमने समझो उसमें से 6-8 घंटे आराम करेंगे, नींद करेंगे, बाकी हमने 16 घंटे घूमना है यहाँ पे, एक से एक दूसरे जंगल, एक से दूसरे जंगल ऐसे जाना है, एक के बाद ऐसे करके। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। अभी हमारे लिए नाश्ता बन रहा है, दरोगा जी हमारे लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए जो है। हालांकि अपने लिए बना रहे हैं, उनके साथ हम खाएंगे। जैसे आप जंगलों में रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप 24 घंटे यहीं रहते हो, 24 घंटे, तो जैसे कई लोग भूत प्रेत पे विश्वास रखते हैं, आप भी रखते हो? अब रखते तो हैं खैर, लेकिन
पहले वाले लोग बताते हैं यहाँ डराता था करके हैं। खैर हमें भी यहाँ भी 3.5 साल के लगभग हो गए, हमको तो कभी ऐसा वो नहीं नहीं हुआ, फील नहीं हुआ। और यहाँ पहला स्टाफ बताता था कि यहाँ पहले एक फॉरेस्टर को हाथी ने मारा हुआ है। हाँ ठीक है, यही पर सामने। हाँ हाँ हाँ, वो रहते थे वहाँ 2 मंजिले में, वो सामने सामने। ठीक है, तो हाथी हर दिन आता था शाम को। ठीक है, वो अब जैसे एहसास हुआ तो भाग के यहाँ घुस जाते थे। ठीक है, तहखाने में। उस दिन यहाँ थोड़ा धुन कोहरा लगा रहा। ठीक है, हाथी आया तो उनको एहसास हुआ, उन्होंने कहा हाथी आ रहा है। हाँ, तो हाथी यहाँ पर कहीं खड़ा रहा। ठीक है, जैसे वो यहाँ पर आए तो उन्होंने पकड़ के, हाथी ने पकड़ के पटक दिया। ओहो, दुर्गा साहब थे वो भी दरोगा साहब थे। अच्छा, तो यही पर पटक दिया उनको। तो यहाँ डराता तो है बताते हैं, लेकिन हमने यहाँ भी कभी फील नहीं किया जो है, अभी हमको ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ कभी ऐसे मौके में लगे ये फायर सीजन में। हाँ जी हाँ जी, यहाँ कभी हम अकेले भी फंसे हुए हैं। ठीक है, पूरे पूरे रेस्ट हाउस में, पूरे रेस्ट हाउस में। क्या बात है, अब जैसे यहाँ वायरलेस देखना पड़ता है तो कभी, तो यानी हम ध्यान देते नहीं है ना इन चीजों पे। हमको अभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ बताते हैं है, यहाँ है। पर मैं नहीं मानता इन चीजों को, मानते तो नहीं है मैं नहीं मानता इन चीजों को, मुझे आप ठहरा दो यहाँ रात को। पर देखो रात को तो पूरा डरावना हो जाएगा यहाँ पे माहौल। हाँ, हम एक कदम भी चलना मुश्किल होता है टॉर्च के बगैर, हमें कुछ मालूम नहीं है सामने क्या चीज खड़ी है जो सामने है, क्या चीज है। अब यहाँ सभी कुछ हुआ। हाँ, भालू यहाँ, हाथी, हाँ, टाइगर, सभी कुछ हुआ। हाँ हाँ, सही में। अच्छा, ये जो वो होता है सियार, जैकल, वो भी है इधर, वो तो अंदर ही आते होंगे रात को, वो भी अंदर आते हैं। हाँ, करते हैं साइडों से, चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, रोने जैसी आवाज निकालते हैं। हाँ, बड़ी गंदी आवाज निकालता है वो तो रात को 2-2 बजे तक निकालता है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, कभी किसी के साथ कोई घटना हो तो वो सूचित नहीं करता, हेल्प नहीं मिलेगी जल्दी जल्दी जो है। यहाँ कोई मोबाइल वायरलेस नहीं है, वायरलेस सैटेलाइट कुछ वायरलेस नहीं है, क्या वैसा कोई है जैसे कुछ नेटवर्क लगा नहीं हुआ यहाँ पे कुछ भी खंबा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर यहाँ से पड़ता करीब 8.5-9 किलोमीटर एक गाँव पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर है ये इसका टावर, BSNL का है, उसके टावर यहाँ बहुत कम, थोड़ी रेंज आ जाती है, रेंज आ जाती है यहाँ पे। और वायरलेस का भी चलता तो है, लेकिन कभी वो भी धोखा दे जाता है। यानी आप दुनिया से कट जाते हो यहाँ पे, दुनिया से कटे हुए। हाँ, कट जाते हो बिल्कुल, यहाँ क्या हो रहा है किसी को खबर नहीं है, कोई पता नहीं चल। हाँ, बहुत मुश्किल है, यहाँ जो है बहुत टफ लाइफ। और ये चीज पूछनी थी मेरे को जो है, देखो भैया भी भूत प्रेत को तो मानते हैं। हाँ, आपका क्या ख्याल है? मैं भी नहीं मानता। नहीं मानते? भगवान को मानते हो? भगवान तो इनको मानना पड़ेगा ठीक नहीं ना, हमने भगवान को भी देखा नहीं है और इनको भी देखा नहीं है। देखा तो हमने भगवान को भी नहीं है। हाँ, लेकिन हमने सुना है कि मंदिरों में देखा है बस, जो मूर्ति होती है भगवान की। हाँ, सही बात है। चलो, ये क्लियर कर दिया आपसे जो है कि ये चीजें होती हैं यार जो है। ठीक है, बाकी देखो जी, हिंदू धर्म में माना जाता है कि आदमी जो है मरता है तो उसके शरीर से एक आत्मा निकल जाती है। अब क्या बोलें, और इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते, इसी जो बाकी तो फिल्मों में ही देखी है हमने जो है। बने हुए हैं यहाँ पे, ये किस चीज़ के होंगे? चूहे के हाँ। तो इसमें सांप भी घुसता होगा? हाँ, नीचे फिर इनके पूरी कॉलोनी है अंदर। हाँ, अंदर से ही तो नहीं आता होगा पोर्क्यूपाइन वगैरह। ये देखिए, रात को निकलते हैं ये शिकारी। ये भी देखो, हर चीज़ है हाँ जंगल में, कहाँ पोर्क्यूपाइन है, कहाँ हनी बैजर है, कहाँ पे वो क्या बोलते हैं मोंगूस नेवला जो होता है, सब ने अपनी प्रजाति को बचाया हुआ है ना जंगल में। तो यही पानी आता है आपके पास? तो अभी जैसे हाथी ने तोड़ दिया, बहुत मुश्किल हुई होगी। हाँ, फिर हाँ रास्ता बनाने गए। इसको क्या बोलते हैं जो ये अपना ये पर्पल कलर के फूल है, इस पौधे को क्या बोलते हैं? गुबनिया। इससे पहले इलाज होता है ना कुछ? हाँ, कुछ चोट लग जाए तो फटाफट एकदम एंटीसेप्टिक का काम करती है इसका रस जो है। पर आजकल कौन करता है? क्यों, आजकल लोग सीधा डॉक्टर पास भाग जाते हैं, फटाफट डॉक्टर पास चले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जो ये पत्ते हैं ना ये बोले जो, इससे तुरंत अपना कटने का इलाज हो जाता है। कुछ भी कट जाए हाथ या कुछ भी जख्म हो जाए, फटाफट इसका जो रस होता है उस चोट पर डाल दो, यही इलाज है जंगल में। तो सर्दियों में तो सांप सीधा जमीन में चले जाते हैं बिलों में। हाँ, गर्मियों में निकलते होंगे दबा के, गर्मियों में अधिकतर बरसात में। हाँ, बरसात में ज्यादा निकलते हैं, इनके बिलों में पानी भर जाता है ना। हाँ, और चूहा भी भाग जाता है। हाँ, बारिश में
तो उसके पीछे पीछे ये होता है सांप जो है, इसका ठंडा ब्लड होता है। हाँ, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सही है। जाड़ों में अगर आप देखेंगे ना इसको, कोबरा भी है ना, हाँ वो भी ज्यादा वो नहीं करेगा, हाँ मूवमेंट नहीं करते, वो भी तो होगी मॉनिटर लिजर्ड। अरे सारा कुछ है, तो जितने नाम ले लो कम है, हर चीज है जंगल के अंदर। एक यहाँ पोर्जा नाला है ना, सुनखड़ी वाले रूट में पोर्जा नाला है। अच्छा, पाइथन बहुत जबरदस्त, पाइथन बड़े बड़े साइज के, क्या बात है। जैसे अगर पाइथन ने, अगर समझो हिरन भी खा जाएंगे, हाँ कुछ खा रखा है, स्पॉटेड चीतल भी खा जाएंगे, इतने बड़े बड़े पाइथन होंगे। एकदम से अपना वो राउंड बना लेते हैं, हाँ जी, उसमें सर्कल सर अपना डाल देंगे, और हाँ। गर्मियों में जो है जहाँ नमी होती है ना, हाँ हाँ। उसके अंदर मिलेंगे आपको, दलदल टाइप का, बिल्कुल ठंडी जगह पे, ठंडी जगह पे बिल्कुल। रेस्क्यू भी करते हैं हम। अच्छा, वो तो जो घरों में चले जाएं ऐसा, हाँ वो तो वन विभाग को सूचित किया जाता है, लेपर्ड आ जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ सूचना दी जाती है फटाफट। अभी कल देखा नहीं हो चुकुम में क्या हुआ है, वो बंदा मर गया है वहाँ पे, ठीक है, तो फॉरेस्ट वाले आ गए वन विभाग, उन गाड़ी जाने नहीं दी गांव वालों ने, पहले पिंजरा लगाओ फिर जाने देंगे, देख लो एकता हो जाती है ना लोगों को, दिखता कि यार हमारे बंदे मारने लग गया टाइगर, अब जो है गायब, एफ तक ठीक था, इंसान मारने लग जाए फिर तो बहुत काम खराब हो जाएगा ना जो है। अब जिसका आदमी चला गया फैमिली का कमाने वाला, उसके ऊपर क्या बीतेगी। टाइगर तो अगर मैन ईटर हो जाएगा तभी जो है अटैक करता है। हाँ नहीं सर, मैन ईटर हम कहते हैं, मैन ईटर हो, पर मैन कभी तो शिकार करता तभी मैन ईटर होगा ना, वो शुरुआत तो करेगा ना एक दिन। हाँ लेपर्ड का कोई पता नहीं रहता, लेपर्ड का भरोसा नहीं है सही में, कभी भी अटैक कर देगा। हाँ अगर नहीं भी है ना वो, हाँ सही बात है, उसे मिल गया हल्का बच्चे वगैरह, ये मिल गया तो उठा के ले, और वो तो बात के लिए सुनने को नहीं मिल रही, देहरादून में हुआ है, हर जगह हो रहा है, और लगभग लगभग वो गांव के किनारे किनारों में रहता है। हाँ अंदर टाइगर है बिल्कुल, वहाँ उसने भाग जाना है वहाँ से, सही में वो तो जहाँ टाइगर की सेंट मार्किंग होगी वो सुन के ही भाग जाएगा। हाँ यहाँ टाइगर है, अब देखा नहीं राजा जी में इन्होंने टाइगर छोड़ दिए जिम कॉर्बेट से लाके, और वहाँ पे लेपर्ड कितने मार दिए, अब पीछे गाइड बता रहा था एक बच्चों वाली मार दी, टाइगर ने बच्चे देख लिए लेपर्ड के, तो लेपर्ड ने बच्चे बचाने के लिए जो फीमेल लेपर्ड थी टाइगर से लड़ने चली गई, उसको पता है मेरे को मरना है पर मेरे बच्चे बचाने हैं उसको, बच्चे बचाने, पर वो फिर भी बाद में मर ही गए होंगे ना अगर लेपर्ड फीमेल मर गई तो। हाँ फीमेल लेपर्ड टाइगर ने कहाँ छोड़ा। हाँ ये कब तोड़ा हाथी ने पीछे वाला हिस्सा, तीन साल हो गए, तीन साल हो गए, तब फेंसिंग नहीं लगी थी। अच्छा तो इन्होंने अभी जरूरी समझा नहीं, फेंसिंग होगी चलो ठीक है, जब से फेंसिंग हुई अंदर नहीं आया। अच्छा तो कहीं झटका लगा होगा ना उसको, रात को ही आता होगा ज्यादातर तो, अधिकतर रात को। हाँ हाँ तो हाथी इतना समझदार होता है, उसे लगा ना जाना है अंदर। हाँ जी उठाएगा दूसरी से लकड़ी, हाँ हाँ मारेगा उसको, बिल्कुल सही बात है, पैर रखे फिर अंदर आराम से, पेड़ पेड़ पे पैर रखेगा, पेड़ गिरा देगा। हाँ आया नहीं है अभी तक, आया यहाँ नहीं है सही में, कहीं ज्यादा उसका अगर रास्ता बंद हो जाता है। सही बात है, ये देखिए पूरा तहखाना जैसे बना हुआ ना, पूरा पूरा तहखाना। हाँ ये भी दीवार बहुत मोटी थी जी, बहुत मोटी दीवार है। आपको पूरा राउंड लगवा दिया आगे से पीछे से, तैयार होगी तो वो पूरी बन रही है। अरे वाह 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 क्या बात है, इसका इस्तेमाल सही किया जा रहा है। हाँ नहीं आप जब ये राशन खत्म हो जाता है यहाँ पे तो आप कैसे लेके आते हो इसको, अगर हम फिर अपनी पीठ में लाते हैं थोड़ा थोड़ा सब बांट के लाए, पैदल लेके आते हो पैदल। अरे मेरे भाई अगर कोई चीज अगर हमने ऊपर से लानी है तो यहाँ से एक गांव पड़ता घोनियारो, घोनियारो वो करीब यहाँ से 8.5 किलोमीटर है पैदल, यहाँ से चढ़ाई चढ़ाई हुई, बताओ वहाँ से लाना हुआ। इन दो तीन बंदे ग्रुप में जाते होंगे। हाँ दो तीन ग्रुप में। हाँ और यहाँ कोई गाँव नहीं हुआ, सबसे नजदीक गाँव हुआ यहाँ से 8.5 किलोमीटर में, बताओ बड़ी मेहनत है। तो आप छुट्टी कितने दिन बाद, छुट्टी कितने दिन बाद होती है आपको, छुट्टी का हमारा कहाँ हुआ, छुट्टी का ऐसे ही हुआ, छुट्टी तो है ही नहीं, छुट्टी हुई नहीं तो फैमिली 24 घंटे की छुट्टी बज रही है जो है, तो फैमिली को तो मिलना पड़ता है ना जो है, फैमिली के लिए कभी एक आध दिन निकाल के चले जाते हैं हफ्ते में महीने में, मतलब वही मानो 15 दिन में, मान लो 15 दिन में। आपका अभी इधर ही है नंदौर में ही है रहने का, नंदौरी में रहने का, बढ़िया है, मतलब 15 दिन में कभी एक आध दिन के लिए चले जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, ऑफिस का काम भी हुआ, ऑफिस का काम भी किया, बच्चों से भी मिल लिया, सही बात है, छुट्टी नहीं है अपने को, छुट्टी नहीं। हाँ जंगल के लिए सेवा दे रहे हो आप, बहुत बड़ी बात है। देखो मैं वही तो कहता हूँ, आप लोगों को सल्यूट है, आपने हमारे जंगल बचाए हैं इंडिया के। हाँ देख लो, देखा जाए तो यही है, यही हुआ। हाँ
आप जैसे होते ना बॉर्डर पे मिलिट्री है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ बॉर्डर पे मिलिट्री है और यहाँ आप हो जंगलों में जो है हमारी मिलिट्री जो है, तभी तो हमारे जानवर सुरक्षित हैं। आज उनकी आबादी बढ़ रही है, देखा आपने, पोचिंग से पोचर डरते हैं, चौकियाँ बनी हुई हैं जगह जगह। देखिए दोस्तों, वाइल्ड लाइफ हर जगह है, हर जगह है वाइल्ड लाइफ। ये देखिए, वो देख वैसे देख रहे हैं मुझे, ऊपर चढ़ गया देखो। दोस्तों मैं कहता था कि हल्दू पड़ाव, हल्दू पड़ाव फॉरेस्ट बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, पर मैं इस फॉरेस्ट को उसके ऊपर रखूँगा, उसके ऊपर रखूँगा। दोस्तों क्या जंगल है, क्या जंगल है दोस्तों। फॉरेस्ट रेस्ट ऑफ आमला खेड़ा, ये 1906 में बना है, वो 1887 वो तो दरोगा जी के लिए है, रहने के लिए वहाँ पे वही स्टे करते हैं। बाकी हम यहाँ भी नहीं कर सकते, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के लिए होता है ये भी आमला खेड़ा। अब इसके बाद हम आगे जाने वाले हैं दुर्गा पीपल, नाम कितने प्यारे हैं। उसके बाद एक और है आगे सेना पानी, वाइल्ड लाइफ है दोस्तों पूरा जो है नज़ारेदार, ये पूरा रूट है देख लीजिए नीचे से पूरा रूट है ये वाला। अभी हम इस तरफ से ही जाएंगे आगे की तरफ, अब नाश्ता यहाँ करेंगे। दुर्गा जी ने देख लीजिए हमारे लिए पूरी आलू छोले बनाए हैं, चाय पिलाई है पहले, अब पूरी आलू खा के हम यहाँ से फिर जाएंगे आगे दुर्गा पीपल, वहाँ हम फिर अपना लंच करेंगे। ये देखिए जंप मार रहा है एक पेड़ पे दूसरे पेड़ पे, ये देखिए कितने बड़े बड़े साल ट्रीज हैं। सब भाग रहे हैं बंदर, ये बैठे हैं भाई साहब, आपको दिखाता हूँ जूम करके, आराम से बैठा है। कैसे बैठे हैं बच्चे को लेके बैठा है इतनी हाइट पे, दोस्तों यहाँ से हाथी निकले कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा हाथी निकलेंगे तो मजा आ जाएगा यहाँ से चलते हुए। अभी 2-5 मिनट में, 2-4 मिनट में नाश्ता आने वाला है अपना ब्रेकफास्ट, अपने आप को एक छोटा सा टूर लगवा देते हैं यहाँ से, ये दीवार दीवार से, दीवार दीवार से चलते हैं। मुझे मज़ा आता है दोस्तों ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करना। ये देखिए पाइपलाइन आ रही है 2.5 किलोमीटर दूर से आ रही है दोस्तों, पाइपलाइन पानी के स्रोत में से, इसका पानी भी है मैंने आज प्योर मिनरल वाला, मिनरल वाटर ओरिजिनल। ये देखिए ये डर्माइट हाउस, इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए दीमक की बांबी, अक्सर हम सफारी में गाड़ी में बैठ के देखते हैं, आज क्लोज दिखा देते हैं आपको। दोस्तों मैंने कई बार मॉनिटर लिजर्ड को इसके ऊपर बैठे हुए देखा है, वो भी अपनी तरफ से कोशिश करता है दीमक खाने की। देखिए दोस्तों ये मॉनिटर लिजर्ड बैठी हुई है टर्माइट के ऊपर, टर्माइट ही खाएगी हाँ, पंजे मार के, पंजे यही इसके निशान लग रहे हैं जो खेड़ती होगी इसको। क्या शांत बैठी है जंगल में, हर कोई अपना पेट भरने के लिए शिकार को ढूंढ रहा है। ये देखिए पूरा कंक्रीट होता है, मैंने हाथ भी लगाया ना इधर, अंदर से हलचल शुरू हो गई होगी, इनको पता लग गया होगा कि बाहर से कोई है। टर्माइट हाउस,
पूरा मजा ले रहा हूँ मैं फॉरेस्ट का। दुर्गा जी बता रहे हैं रात को बोलता है कभी दिन में बोलता है, क्योंकि आज बोले तो मजा आ जाए। गुर्राता है, मीटिंग कॉल करते हैं, हर तरह की मूवमेंट होती है, यहाँ जंगल है। आ गया नाश्ता हमारा, आ गया आ गया। एक बार फिर से देख लें, दिल नहीं भरता दोस्तों। चलिए गरम गरम पूरी खा लेते हैं, फिर ठंडी होगी तो मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद अगला सफ़र शुरू हो जाएगा हमारा, जब लोग को इधर ही एंड करके जाएंगे आंवला खेड़ा में। रुकना इधर था पर थोड़ा बोले अभी व्यवस्था है नहीं यहाँ पे। अरे भाई साहब क्या बात है, वाह जी वाह नज़ारे। अरे आप आइए साथ में, मतलब तो आपके साथ था क्यों जी? मैंने बर्ड की आवाज़ निकाली, बंदर भागने लग गए। अच्छा हाँ, मैं कोयल की आवाज़ निकाली थोड़ी सी। अच्छा मैं साफ इससे निकाल ले आलू हैं दोस्तों, आंवला खेड़ा पूरी आलू। बड़ा जंगल है ये। हाँ यहाँ आपको प्रत्येक जानवर की उपस्थिति है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ आपको टाइगर भी मिलेगा, लेपर्ड भी मिलेगा, गुलदार भी मिलेगा, हाथी हाथी हो गए, भालू हो गए, भालू हो गए, यहाँ सब जानवर सब कुछ है, सब कुछ है। हष्ट पुष्ट और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है जंगल में, धैर्य बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी मीन चीज क्या है, बंदर बोल रहा है, टाइगर होगा कहीं आसपास है ना, टाइगर होगा, कॉलिंग शुरू, टाइगर होगा कहीं, वो खक 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 वैसी आवाज करता है। हाँ खक खक अभी आई तीन चार बार बोला ये, वो कहीं पेड़ से देख रहा होगा। ज्यादा आतंक है यहाँ पर। अच्छा यहाँ घना जंगल है। हाँ यहाँ इतना वाइल्ड लाइफ है यहाँ, लेकिन वाइल्ड लाइफ शांत है, बिल्कुल शांत है, क्योंकि उनके लिए भोजन है, भोजन है और प्रवास के लिए जगह है, जगह है, बिल्कुल शांत शांत जंगल है, उनका डिस्टर्ब है ही नहीं है। अगर डिस्टर्ब होगा, भोजन नहीं होगा, तब वो फिर वो खूंखार बनता है। और मैं एक चीज देख रहा हूँ, अगर यहाँ पे जिप्सियां चलती भी है ना तो गैप बहुत रहेगा, जंगल बहुत बड़ा है एरिया, जंगल हुआ है। कई जगह पे तो 5-7-10 किलोमीटर में ही सब 50 जिप्सी डाल देते हैं, है कि नहीं? हाँ तो बहुत प्यारी जगह जो है, यहाँ हर वन्य जीव उपस्थित है यहाँ। सही बात है, लेकिन वो शांत है, वो उग्र नहीं है यहाँ, वो हाँ शर्मीन तो शर्मीला है। वो देखिए वहाँ पे हलचल शुरू होगी, इनको टाइगर दिख गया है, लेपर कुछ दिखा है इनको, इन्होंने कॉल करनी शुरू करी है। क्या पता उन्हें रास्ते में मिल जाए। चलिए चले सर जी, आपने तो पूरा हथियार ले लिया अपना, ये खाली हाथियों के लिए डराने के लिए, हाँ जरूरी है, अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है सही में। अभी यानी कि बहुत खतरनाक जंगल आने वाले हैं, इसका मतलब अगर सामने आ भी गए तो वो थोड़ा हवाई फायर करेंगे, जानवर साइट हो जाएगा, बस 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 अपना निकल लिए। क्या बात है, इमरजेंसी में, वो भी बिल्कुल इमरजेंसी में। हाँ हम वैसे हवाई फायर भी नहीं करते हैं, जब ज्यादा ही हुआ हो गया ना, क्लोज आ जाएगा, बहुत नजदीक हो जाएगा, तो थोड़ा उसको हमने डिस्टर्ब करना, अपना निकल लिया, बस बस बस। उसको हम ज्यादा छेड़ दे तो है नहीं, छेड़ भी नहीं सकते, वाइल्ड एनिमल छेड़ नहीं सकते सही में। वो थोड़ा सा हमको रास्ता दे दे बस, बस इमरजेंसी है और क्या, इमरजेंसी में। नमस्कार सर जी, यही रुक ना, कल ले जाएंगे तेरे को, तो यही रुक जा, पक्का पक्का इधर दो रातों के लिए आएंगे, पक्का जंगल घूम के इधर स्टे करेंगे। हाँ जी हाँ बैठे डरा दिया आपने भाई, यही तो हमारे को टाइगर ढूंढ के देगा। चलिए चलिए खोलू,